हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश अलगुंडे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को प्रेस कर दे ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमने पिछले वीडियो तक इंटीग्रेशन चैप्टर में कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद हमने सिंपल एग्जाम्पल बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड फार्मूले ऑफ इंटीग्रेशन एंड रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन देखा है। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन किस तरह निकालना है ये भी देखा है। तो आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन किस तरह निकालना है ये देखने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2x इंटू dx। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो यहाँ पे देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले इस्तेमाल करके हमें इसका इंटीग्रेशन किस तरह निकालना है। सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2x इंटू dx। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में क्या वैल्यू है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x है तो इसका फार्मूला हम जानते हैं, m1 पेपर में हमने ये फार्मूला पढ़ा है। 1 प्लस कॉस ऑफ 2x की वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर x, और अगर 1 माइनस कॉस ऑफ 2x हो तो उसकी वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2x की जगह पे हम लिखेंगे 2 इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट में वैल्यू है कंप्लीट, इसमें से हम ये जो कांस्टेंट वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसे हम सेपरेट कर देंगे और उसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर शिफ्ट करेंगे और स्क्वायर रूट में बचेगा कॉस स्क्वायर x, तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट मिलेगा कॉस एक्स और ये इंटू dx एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए i इक्वल टू ये रूट टू कॉन्स्टेंट एज इट इज़ और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा साइन x और ये प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे निकालना है बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x इंटू dx। तो पहले क्वेश्चन जैसा ही ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x इंटू dx। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस ऑफ 2x है वैल्यू है स्क्वायर रूट में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके जगह पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एज इट इज़, फिर स्क्वायर रूट साइन एज इट इज़। अब यहाँ पे है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू साइन स्क्वायर x। तो ये है फार्मूला। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे इंटू में हम लिखेंगे इंटू dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे, ये कांस्टेंट हम सेपरेट करेंगे और उसे इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर मिलेगा इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉन्स्टेंट, यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर x, उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो हमें यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन x इंटू ये dx। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सिंपली फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए i इक्वल टू ये रूट टू कॉन्स्टेंट एज इट इज़, साइन x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ऑफ x और ये प्लस कॉन्स्टेंट c, और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद फाइनल आंसर मिलेगा i इक्वल टू माइनस इंटू रूट टू इंटू कॉस x प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 2 मार्क के लिए, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरह निकालना है। आंसर में हम लिखेंगे लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले यूज़ करना है और यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालना है। अब हमें ऐसा फार्मूला देखना होगा जिसमें साइन स्क्वायर x है वैल्यू आती है। तो हमने m1 पेपर में ये फार्मूला पढ़ा है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर x।
अब यहाँ पे हम अगर इस फॉर्मूला से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाले तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो टू है मल्टीप्लिकेशन में ये इस साइड को आके यहाँ पे डिवाइड होगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, वन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। तो ये वैल्यू हम साइन स्क्वायर एक्स के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इन ब्रैकेट वन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाई टू ब्रैकेट क्लोज इन टू डी एक्स। तो ये वैल्यू कहाँ से आई, इस फॉर्मूला से। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में ये जो वन बाय टू ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन के बाहर शिफ्ट करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा इक्वल टू वन बाय टू कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ब्रैकेट में हमें न्यूमरेटर की वैल्यू मिलेगी वन माइनस कॉस ऑफ टू एक्स ब्रैकेट क्लोज इनटू डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों का इंटीग्रेशन साइन सेपरेट करेंगे और उनका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूले। ओके, तो यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू ये वन बाय टू कॉन्स्टेंट एज इट इज़। अब यहाँ पे अगर हमने दोनों का इंटीग्रेशन साइन सेपरेट किया तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स डी एक्स। अब उसे उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पे ब्रैकेट में लेंगे। आप यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, वो स्टेप लिख सकते हैं, या फिर आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू ली है, ये वन बाय टू कॉन्स्टेंट एज इट इज़। फिर ब्रैकेट में देखिए इसकी वैल्यू वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा एक्स, फिर माइनस साइन एज इट इज, फिर यहाँ पे कॉस ऑफ टू एक्स है, कंपोजिट फंक्शन है और पिछले वीडियो में ही हमने देखा है कि कंपोजिट फंक्शन का इंटीग्रेशन किस तरह निकालना है, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमें यूज करने हैं। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, यहाँ पे है कॉस ऑफ टू एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स। ओके, अब टू एक्स का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे टू और ये ब्रैकेट क्लोज और प्लस कांस्टेंट सी एज इट इज़। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और अगर आप चाहे तो वन बाय टू से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो भी आंसर करेक्ट होगा। ओके, तो इस तरह से साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये है क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेंड कॉस स्क्वायर एक्स है। अब कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालते समय हमें क्या क्या करना है, देखिए सबसे पहले आंसर में लिखेंगे लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें क्या करना है, इसके जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले। अब हम फार्मूला जानते हैं कि वन प्लस कॉस ऑफ टू एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, टू इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू होती है। तो अगर इस फॉर्मूला से हम कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाले तो हमें क्या मिलती है वैल्यू, ये जो टू है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और हमें कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिलेगी वन प्लस कॉस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय टू। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू अगर हमने सब्स्टिट्यूट की इसकी जगह पे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटू ब्रैकेट में इसकी वैल्यू वन प्लस कॉस ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाय टू ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे वन डिवाइडेड बाय टू, ये कांस्टेंट वैल्यू हम सेपरेट कर देंगे और उसे शिफ्ट करेंगे इंटीग्रेशन साइन के बाहर, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू वन बाय टू इंटू ये इंटीग्रेशन का साइन इंटू ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये न्यूमरेटर यानी कि वन प्लस कॉस ऑफ टू एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू ये डी एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा आई इक्वल टू वन बाय टू कॉन्स्टेंट एज इट इज़ और ब्रैकेट में इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू वन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा एक्स, फिर यहाँ पे प्लस साइन एज इट इज़ और कॉस ऑफ टू एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाई डेरीवेटिव ऑफ टू एक्स यानी कि टू और ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे हम कांस्टेंट ऐड करेंगे। ओके, प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए ये आंसर हमें यहाँ पे मिला है और अगर आप चाहे तो वन बाई टू से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर इस तरह भी मिल सकता है, एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस साइन ऑफ टू एक्स डिवाइडेड बाई फोर प्लस कांस्टेंट सी, वो भी आंसर करेक्ट है। आप इन दोनों में से कौन सा भी एक आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा इसका आंसर इस क्वेश्चन का। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ टू एक्स इंटू डी एक्स।
तो ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आंसर में क्या करना है, लेट आई इक्वल टू ये दिया गया इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है, देखिए यहाँ पे दोस्तों इक्वल टू ये इंटीग्रेशन साइन एज इट इज़। अब जब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से इंटीग्रेंट था तब हमने वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की थी, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब यहाँ पर एंगल क्या है, 2x है, तो इसका डबल एंगल क्या होगा, 4x होगा, वो एंगल हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। जब एंगल x था तो हमने फार्मूला में यहाँ पे 2x लिया था, अब यहाँ पे 2x है तो इसका डबल एंगल क्या होगा, 4x लेना है। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। ओके, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो ये एप्लीकेटिव टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आपको साइन स्क्वायर ऑफ 3x दिया जाए तो यहाँ पे एंगल 3x अगर हो तो इसका डबल एंगल हमें यहाँ पे 6x लेना होगा, बाकी के वैल्यू ये एज इट इज़ रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन अब किस तरह निकालना है, ये 1/2 कॉन्स्टेंट, इसे हम शिफ्ट करेंगे बाहर तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये न्यूमरेटर की वैल्यू, यानी कि 1 माइनस कॉस ऑफ 4x ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट का इंटीग्रेशन निकालना है तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा i इक्वल टू ये 1/2 कॉन्स्टेंट एज इट इज़, फिर ब्रैकेट में देखिए इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा x, फिर माइनस साइन एज इट इज़, और कॉस ऑफ 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 4x, क्योंकि ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। अब 4x का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे 4, और ए ब्रैकेट क्लोज और ए प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे एंगल x की जगह पे 2x है तो यहाँ पे फार्मूला में यहाँ पे अगर 2x हो तो यहाँ पे हमें 4x लेना है, यानी कि उसका डबल एंगल यहाँ पे लेना है। ओके, उसी तरह से हमें इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉस इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ 2x dx, तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा, अगर कॉस स्क्वायर 2x होगा तो वहाँ पे हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, 1 प्लस कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये आपको चेंजेस थोड़े से ध्यान में रखने हैं। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स dx। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है 2 मार्क के लिए, तो देखते हैं इसका इंटीग्रेशन किस तरह निकालना है। लेट आई इक्वल टू ये दिया गया इंटीग्रल हम लिख देंगे। अब हम यहाँ पे सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री की, जो क्या होती है, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स। अगर उस फार्मूला से हम टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलती है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, और वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में, और ये इंटू dx एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रूल यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन का, और इन दोनों का इंटीग्रेशन साइन सेपरेट करेंगे, तो हमें मिलेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब इन दोनों के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूले है, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, i इक्वल टू स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे टैन एक्स और माइनस साइन एज इट इज़, और 1 का इंटीग्रेशन होगा x और ए प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ कॉट स्क्वायर एक्स dx। तो ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेंट क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर एक्स dx है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किस तरह निकालना है, अब हम जानते हैं थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जो क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर एक्स। अब उस फॉर्मूला से अगर हम कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें तो हमें क्या मिलती है, cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एज इट इज़, और कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिखेंगे cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में लिखेंगे, और इन टू ये dx एज इट इज़। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन साइन सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमें यहाँ पे मिलेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब यहाँ पे इन दोनों के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूले है इंटीग्रेशन के, तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा i इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है माइनस cot ऑफ x, फिर उसके बाद ये माइनस साइन एज इट इज़, फिर 1 का इंटीग्रेशन होगा x और प्लस कॉन्स्टेंट c। तो इस तरह से cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये।
तो ये है इसका फाइनल आंसर। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ 2x इंटू dx। तो यह है क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होगा, आंसर में हम लिखेंगे लेट i इक्वल टू, यह दिया गया इंटीग्रल। अब यहाँ पे लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस इंटीग्रेंड को क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे ट्रिगोनोमेट्री के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एज इट इज़। अब देखिए न्यूमरेटर क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x है, तो इसके जगह पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2x है, तो इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये इंटू dx एज इट इज़। अब यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टैन स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब टैन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किस तरह निकालना है, हमने अभी अभी एग्जांपल देखा था, तो इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू sec square x माइनस 1। ओके, तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, देखिए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan square x की जगह पे हम लिखेंगे sec square x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। अब इन दोनों का अगर हम इंटीग्रेशन साइन सेपरेट करें तो हमें इस तरह से मिलेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब यहाँ पे इन दोनों के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूले है, तो हम इस्तेमाल कर लेंगे वो फार्मूले। तो हमें आंसर मिलेगा i इक्वल टू sec square x का इंटीग्रेशन होगा tan x, फिर यहाँ पे माइनस साइन एज इट इज़ और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और यहाँ पे प्लस कॉन्स्टेंट c हम ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ 2x इंटू dx। ये कंप्लीट वैल्यू स्क्वायर रूट में है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन किस तरह निकालना है, तो आंसर में हम लिखेंगे लेट आई इक्वल टू, ये दिया गया इंटीग्रल। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करने हैं, फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो क्या होगा, देखिए इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एज इट इज़, फिर ये स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज़। अब देखिए न्यूमरेटर क्या है, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ऑफ 2x है, तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और ये इंटू dx एज इट इज़। अब दोनों की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है, इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, और हम फार्मूला जानते हैं दोस्तों, कॉस एक्स बाय साइन एक्स होता है कॉट एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिलेगी कॉट स्क्वायर एक्स। तो हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना होगा इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर स्क्वायर रूट में क्या होगा, कॉट स्क्वायर एक्स इंटू ये dx एज इट इज़। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, इसका कॉट एक्स मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू ये dx एज इट इज़। अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx की वैल्यू होती है लॉग ऑफ साइन एक्स। तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा i इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस c। अब यहाँ पे ये मॉड में लिख सकते हैं या फिर आप ब्रैकेट में भी इसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ 2x इंटू dx। तो ये है क्वेश्चन, यहाँ पे इंटीग्रेंड क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ 2x है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह निकालना है, आंसर में हम लिखेंगे लेट आई इक्वल टू, ये दिया गया इंटीग्रल। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखिए इक्वल टू ये इंटीग्रेशन साइन एज इट इज़, फिर यहाँ पे ये न्यूमरेटर एज इट इज़, फिर देखिए डिनोमिनेटर क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x है। अब इसका फार्मूला हम जानते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x की वैल्यू होती है 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे इंटू ये dx एज इट इज़। ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इस तरह मिलेगा हमें। अब इसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, तो ये 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसे हम शिफ्ट करेंगे
इसे हम सेपरेट करके नेक्स्ट स्टेप में हम शिफ्ट कर देंगे इंटीग्रेशन साइन के बाहर। ओके, तो यहाँ पे हमें इस तरह मिलेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एज इट इज़। यहाँ पे देखिए हमने 1/2 सेपरेट किया है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/(sin²x) साइन स्क्वायर एक्स इंटू ये डी एक्स एज इट इज़। ओके, अब इसके बाद ये 1/2 को हम बाहर शिफ्ट करेंगे इंटीग्रेशन साइन के, तो हमें मिलेगा इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या है 1/(sin²x) है वैल्यू। ओके, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो हमें क्या मिलेगा 1/sin x की वैल्यू होती है कोसेक एक्स, तो यहाँ पे हमें मिलेगा कोसेक स्क्वायर एक्स और ये इंटू डी एक्स एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा ये 1/2 कांस्टेंट एज इट इज़। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट ऑफ एक्स होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनटू ब्रैकेट में माइनस कॉट ऑफ एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट सी, और लास्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनल आंसर मिलेगा आई इक्वल टू -1/2 इंटू कॉट ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर हमें यहाँ पे निकालना है बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले। तो इसके बाद हम देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 1/(1 प्लस कॉस ऑफ 2x इंटू डी एक्स। तो ये है क्वेश्चन, तो पिछले एग्जांपल जैसा ही ये क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ हमें फार्मूला यूज़ करना है। तो देखिए आंसर, इसका आंसर में हम लिखेंगे लेट आई इक्वल टू ये दिया गया इंटीग्रल। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 1 है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन ये न्यूमरेटर 1 एज इट इज़। फिर यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस कॉस ऑफ 2x है, तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है वैल्यू 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो हमें मिलेगा 1/(2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये इंटीग्रेंड हमें मिलेगा और ये इंटू डी एक्स एज इट इज़। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 कॉन्स्टेंट सेपरेट करके उसे हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख देंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा इंटीग्रेंड में 1/cos²x। तो हमें नेक्स्ट स्टेप इस तरह मिलेगी इक्वल टू ये 1/2 कांस्टेंट एज इट इज़, फिर इंटीग्रेशन साइन एज इट इज़, और यहाँ पे 1/cos²x बचेगा और ये इंटू डी एक्स एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 1/cos²x इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा देखिए इक्वल टू ये 1/2 कांस्टेंट एज इट इज़, इंटीग्रेशन साइन एज इट इज़। अब देखिए 1/cos x होता है sec x, तो यहाँ पे 1/cos²x की वैल्यू होगी sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखिए I इक्वल टू ये कांस्टेंट एज इट इज़, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों tan x होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू टेन एक्स और ये प्लस कांस्टेंट सी। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर मिलेगा आई इक्वल टू 1/2 इंटू टेन एक्स प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको ये सिंपल एग्जांपल बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।